ये दोस्तों हमारे ये सीए भाई साहब है, ये सीए भाई साहब को दिखाओ आज, हमारे ये बिल बनता है, ये सारे मेंटेन यही करता है फ्रेश मेस आइडिया का। मैं भी आप लोगों की तरह सोचते रहता था कि मैं चाय पत्ती का व्यापार करूं तो कैसे करूं, कहां से मैं चाय पत्ती खरीदूं, और मेरा एरिया में जो चाय चलता है वो मेरे को पता ही नहीं था। बीपी किसको बोलता है, बीओपी एसएम किसको बोलता है, वेब किसको बोलता है, सीडी किसको बोलता है, टी पाउडर किसको बोलता है। आज से 7 साल पहले मैंने काम को स्टार्ट किया था। आज आप लोगों को मतलब दुआ से जो भी है, आज एक बड़ा होलसेलर हूँ, वो भी सिलीगुड़ी में बेस्ट क्वालिटी सस्ता प्राइस में अवेलेबल कराता है। जैसे दोस्तों मैं भी एक दिन जब शुरुआत किया था आप लोगों के साथ साथ, मैं भी ऐसे ही सोचता था। आप लोग सोचते हैं ना मैं चाय का व्यापार स्टार्ट करूं डायरेक्ट सिलीगुड़ी टी फैक्ट्री से, तो व्यापार को कैसे स्टार्ट करूं, तो मैं भी एक दिन यही सोचा था कि होलसेल में टी बिजनेस के होलसेल क्या होता है, टी बिजनेस के रिटेल क्या होता है, टी बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, टी बिजनेस का जो है आपका बल्क के बल्क लॉट के लॉट क्या होता है, एक दिन हम भी सोचते थे। ये जो वीडियो है ना दोस्तों गौर से समझिएगा, अगर आप नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मैं इस तरह का कंटिन्यू वीडियो बनाते रहता हूँ। मेरा 3 चैनल है, फ्रेश टी सिलीगुड़ी, फ्रेश मेस आइडिया, चाय वाले बाबा। चाय वाले बाबा आजकल इन दिनों में बहुत फेमस हो रखा है, क्योंकि मैंने चाय वाले बाबा का नाम इसीलिए रखा है, मेरा उम्र भी तो 48 का हो गया, तो चाय वाले बाबा ही हो गया ना, तो इसीलिए आप लोगों को भी शिक्षा देता हूँ। मेरे तरह जैसे मैं शुरुआत किया था, तो उसी तरह आप भी एक दिन मेरे तरह शुरुआत करके चाय का व्यापार एक दिन बड़े मुकाम तक लेके जाए, हमारी तरह एक होलसेलर आपके कोई सभी स्टेट में कोई सभी राज्य में आप एक होलसेलर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों व्यापार वही करता है जिसके पास दम होता है, दम मतलब हुनर। आपके पास प्रोडक्ट को सेल करने का कैपेसिटी होना चाहिए, प्रोडक्ट को सेल करने का हुनर होना चाहिए। बाजार में कचरा भी बिकता है और हीरा भी बिकते हैं। बाजार में 80 रुपए किलो से लेकर और 550 रुपए किलो तक चाय पत्ती बिकता है। अगर आपको होलसेल बिजनेस करना है तो सस्ता प्राइस से लेकर प्रीमियम क्वालिटी तक रखना पड़ेगा। अगर आपको पैकेट ईयर बनना है तो आपका जो है सेमी आरपी से लेकर और प्रीमियम हाई ग्रोन की चाय तक लेना पड़ेगा। अगर आपको रिटेल काउंटर में सेल करते हैं तो ब्लेंडेड टी लेना पड़ेगा। ये रहा चाय का पूरा प्रोसेस। और बात रहा कि अगर आप नहीं है सैंपल मंगाओ तो कैसे मंगाओ, डायरेक्ट सिलीगुड़ी से, सिलीगुड़ी टी होलसेलर से तो कैसे जाएगा, आपको डरने की कोई बात नहीं। ये आप नंबर देख रहे हैं, सीधा नंबर व्हाट्सएप करिए मेरे को, व्हाट्सएप करके वॉइस मैसेज करे, फुल एड्रेस डिटेल डाले, कौन सी राज्य से बोल रहा है, कौन सी जिला से बोल रहा है, आपका पिन कोड भेजिए, उसके बाद हम हमारा कंपनी का डिटेल आपको भेजेंगे। उसी एड्रेस पे आप आपका एरिया का जो चाय चलता है या तो हमें भेजे, या तो हमारे जो भी सिंगल दाना का चाय चलता है वो आप सैंपल मंगा सकता है। टोटली बात यह है दोस्तों, अगर आपके पास जितना पूंजी है उतना का काम कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपको बोला डायरेक्ट सिलीगुड़ी से चाय पत्ती लेने की फायदा यह होगा, चाहे आप ब्लेंडेड लीजिए, इस तरह का हमारे पास ब्लेंडेड होता है, आपको खुद का पैकेट में डालना है ओनली होलसेल में दोस्तों, ये आप 2-4 बैग भी ले सकते हैं डायरेक्ट सिलीगुड़ी से, सस्ते प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। आप आइए, स्टार्ट कराने का जो आइडिया हम देते रहते हैं आप लोगों को, हमारे ऑफिस विजिट करें, इस तरह का आपको 4-5 बैग भी आपको दे देंगे। आप सिलगुड़ी आके देखे थे हमारा ऑफिस विजिट करिए, हमारे पास डायरेक्ट फैक्ट्री से आते रहते हैं। दोस्तों चाय पत्ती मंगाने का सबसे इजी तरीका यह है, आप व्हाट्सएप करें, एड्रेस भेजे, आपको कितना बैग चाहिए सीधा आपको। ये दोस्तों हमारे ये सीए भाई साहब है,
ये सीए भाई साहब को दिखाओ, आज हमारे ये बिल बनता है, डायरेक्ट आपको बिल आपको व्हाट्सएप की तरह दिया जाएगा। ये सारे मेंटेन यही करता है, फ्रेश की कंपनी का, चाय वाले बाबा का और फ्रेश मेस आइडिया का। और दोस्तों हमारे इस तरह का सैंपल जाते रहते हैं, है ना, इस तरह का सैंपल जाते रहते हैं। आपको इस तरह का जो सैंपल है, ऐसे लिफाफा में जाएंगे, चाहे आप छोटा पार्सल मंगाए, मीडियम पार्सल मंगाए या बड़ा पार्सल मंगाए। बड़ा पार्सल के लिए आपको इस तरह का थैला में आएगा। आप इस तरह का थैला में आप पार्सल मंगा सकते हैं, पहले सैंपल मंगा सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। आप आइए सिलीगुड़ी, विजिट करें ऑफिस में, जो भी आपको क्वांटिटी के हिसाब से रिक्वायरमेंट होते हैं, आप डायरेक्ट सिलीगुड़ी से चाय पत्ती बाय कर सकते हैं। पूरा भारत में हमारे, आप अगर जंगल में हैं, जंगल में भी आपको दो चार बैग चाय पत्ती मिल जाएगा। दोस्तों आज का जो टॉपिक था, आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।